ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज लेक्चर नंबर 13, रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोग इन क्लास नंबर 12 बात कर रहे थे रिगार्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। हमने कुछ एग्जांपल्स लिया था। लेट मी टेक नाउ फ्यू मोर एग्जांपल्स। सपोज हमें दिया गया 2x-3 टू द पावर x-1 इज लेस देन और इक्वल टू 2x-3 टू द पावर 3-5x। हमें कहा गया टू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, राइट। यहां पर प्रॉब्लम है, पर क्या है कि जो बेस हमारा है, बेस इज नाउ नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, बेस इज नाउ वेरिएबल। अगर यहां पर बेस 1 से बड़ा होता, दोनों तरफ बेस तो सेम है दोनों तरफ, है ना, बट बेस इज वेरिएबल। अगर ये बेस कॉन्स्टेंट बेस होता और बेस 1 से बड़ा होता तो हम बेस को रिमूव करते, देर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। बेस अगर 0 to 1 में होता, इन दैट केस हम दोनों तरफ से बेस को रिमूव करते और साइन ऑफ इनइक्वालिटी वुड हैव चेंज्ड। अब हम क्या करेंगे इन दिस केस, या ऐसे जब क्वेश्चन मिलता है अपने को, हाउ वी प्रोसीड, हम इसमें दो पार्ट बना देंगे। पार्ट वन, लेट दिस बेस 2x-3 ग्रेटर देन 1। हमने एज्यूम कर लिया। अगर हमने ये एज्यूम कर लिया, मीन्स क्या हो गया, 2x ग्रेटर देन 4 यानी x ग्रेटर देन 2। अगर हमने, दिस इज कॉल्ड प्री कंडीशन, या यू कैन से अंडर दिस अजम्पशन, जब हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बेस हमारा 1 से बड़ा है और बेस दोनों तरफ सेम है, तो दिस इम्प्लाइज x-1 लेस देन और इक्वल टू 3-5x, यानी देर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। सो हाउ वी शैल गेट, x को इधर लाए तो 6x लेस देन और इक्वल टू 4 implies x less than or equal to 4/6 yani 2/3, but dhyan rakhe we are under the condition x greater than 2, means x should be greater than 2, at the same time x should be less than or equal to 2/3, means if I draw a number line, ye 2/3 or ye 2, x should be greater than 2, यानी 2 से बड़ा होना चाहिए, at the same time 2/3 से छोटा होना चाहिए, which is impossible, यानी कि x belongs to 5. Second part में, in the same question, let us assume this base lies between 0 and 1. अगर हम ये assume कर लेते हैं base 0 to 1 में, यानी कि 3 को इधर ले आइए, ऐड 3 तो 3 लेस देन 2x लेस देन 4, डिवाइडिंग बाय 2, 3/2 लेस देन x लेस देन 2, x बिटवीन 3/2, तो ये हो गया हमारा। सो इन अंडर दिस अजम्पशन, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, व्हाट वी शैल गेट, बिकॉज नाउ बेस बिटवीन 0 to 1, तो जैसे ही बेस रिमूव करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज्ड, ये आ गया। नाउ फ्रॉम हियर वी गेट 6x ग्रेटर इक्वल टू 4, यानी x ग्रेटर इक्वल टू 4/6 यानी 2/3। नाउ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/3, एट द सेम टाइम बिटवीन 3/2 to 2, मीन्स इफ यू ड्रॉ नंबर लाइन शैल फाइंड, ये हो गया 2/3, x को 2/3 से बड़ा होना चाहिए, एट द सेम टाइम 3/2 यानी 1.5 to 2, x शुड बी बिटवीन दिस टू क्वांटिटीज, साथ में x शुड बी ग्रेटर देन 2/3, तो इट इज 3/2 to 2। सो इन सेकेंड पार्ट वी गेट x belongs to 3/2
to 2 and in first part it is phi, dono ka jab union karenge, phi union any set is same set, so answer is 3 by 2 to 2, correct? Again, ye jo question abhi humne kiya, ye question simple question hai, but keep the rule in mind. हम लोग आगे बढ़कर इस पर और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग. यू शैल फाइंड बेस अगर वेरिएबल हो राइट तो आपको हमेशा ऐसे दो केस लेकर एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी में ऐसे दो केस लेकर बेस ग्रेटर देन वन बेस बिटवीन जीरो एंड वन दोनों केस को अलग अलग सॉल्व करेंगे. पार्ट वन का आंसर पार्ट टू का आंसर दोनों का हम लोग यूनियन कर लेंगे हम लोग. गॉट इट नाउ? ओके Let us now go for next. तो exponential function का बाकी example बाद में करेंगे हम लोग. Let us now go for logarithmic functions. That is y equal to log x. जैसे आपने discussion किया regarding exponential function, now we shall discuss about the function y equal to log x to the base a, correct? हम लोग log का बारे में डिटेल डिस्कशन किए हुए हैं इन क्लास 11. उसमें आपको log का डेफिनेशन प्रॉपर्टीज सब ऑलरेडी डिस्कस किया गया है डिटेल में. नाउ वी शैल गो टू ग्राफ ऑफ log x एंड हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज रिलेटेड टू log. सो कीप इन माइंड अगेन रिमेंबर y equal to log x to the base a, it is implies and implied by a power y equal to x. Means, अगर पूछा जाए इसका क्या मतलब है, हम कहते हैं a to the power y is x. ये कहने से जो समझ में आता है log x to the base a equal to y has same meaning. Correct? तो अगर हम बात करें log का ये जो a क्या है, दिस a इज कॉल्ड बेस ऑफ log. ओके, आप याद करें अगेन ये log का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और जस्ट पिछले क्लास में बताया था हमने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए भी दिस a इज कॉल्ड बेस. जो बेस आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है लॉग में भी बेस बिल्कुल सेम है. अगेन जैसे कि हमने आपको बताया था पिछला लेक्चर में दैट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बेस इज आइदर ग्रेटर देन वन और इज लाइज बिटवीन और इट लाइज बिटवीन जीरो टू वन. ऑब्वियसली सेम लॉजिक और सेम रूल इज एप्लीकेबल हियर. मीन्स लॉग का बेस भी कभी भी जीरो या नेगेटिव या वन नहीं होगा. बेस ऑफ लॉग विल बी ऑलवेज आइदर ग्रेटर देन वन और इट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन. तो क्या है, सपोज मैं एक पहला कैसे टिपिकल एग्जाम्पल लेता हूँ वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस टू. ओके, दिस इज ए टिपिकल केस फॉर लॉग एक्स टू द बेस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन वन. हमने जो टू लिया है टू का केस इट करेस्पॉन्ड्स टू लॉग एक्स टू द बेस ए वेयर ए इज ग्रेटर देन वन. ओके, तो दिस इंप्लाइज टू पावर वाई इक्वल टू एक्स. इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये हो गया. नाउ लेट अस ट्राई टू स्केच ग्राफ ऑफ दिस y इक्वल टू log x टू द बेस टू. अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं क्या देखिए होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ओके, व्हाट आई फाइंड हियर, टू पावर y में y कैन बी एनीथिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. सो इफ आई से y अप्रोचेस माइनस इनफाइनाइट, y अप्रोचेस माइनस इनफाइनाइट, तो x क्या होगा, टू पावर माइनस इनफाइनाइट है ना, x इज टू पावर माइनस इनफाइनाइट. तो x होगा, x अप्रोचेस
2 पावर माइनस इनफाइनाइट व्हिच इज 0 प्लस, या इसको ऐसे कह लो आप जैसे आपने किया था पिछले क्लास में, 1 अपॉन 2 पावर इनफाइनाइट व्हिच इज 1 अपॉन इनफाइनाइट 0 प्लस. नाउ इफ आई से y इज 0, y इज 0 तो x क्या होगा, x हो जाएगा 2 पावर 0 1. देन इफ आई से y इज प्लस इनफाइनाइट और y अप्रोचेस प्लस इनफाइनाइट तो x क्या होगा, 2 पावर प्लस इनफाइनाइट, x अप्रोचेस 2 पावर प्लस इनफाइनाइट व्हिच इज प्लस इनफाइनाइट. ओके, द इनफैक्ट हम लोग अभी तक क्या करते थे, हम लोग x से y के वैल्यू फाइंड करते थे, है ना. लॉग केस में हम x का वैल्यू से y फाइंड करने की जगह हमने प्रिफर क्या किया, लॉग को हमने एक्सप्रेस कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और एक्सप्रेस करने का बाद हमने वाई को वेरी कराया. वाई को वेरी कराने का साथ साथ हमने एक्स का करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज हमने फाइंड कर लिया. नाउ इफ आई स्केच ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू log x टू द बेस 2, इसके लिए हम इसको यूज कर लेंगे. इफ आस्क यू y माइनस इनफाइनाइट तो x 0 प्लस, इसको रिवर्स क्या कहोगे, log ऑफ 0 प्लस, log का अंदर अगर हम ये है ना पेयर है ना, log का अंदर अगर x की जगह हम रखते हैं 0 प्लस तो y यानी log 0 प्लस का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट. तो ये जीरो है, लॉग जीरो प्लस इज माइनस इनफाइनाइट 3. दिस इज एक्स जीरो प्लस वाई इज माइनस इनफाइनाइट. ओके, एंड एक्स इज वन वाई इज जीरो. ये हमने यहाँ पुट किया y को 0, तो x आया 2 पावर 0 1, या इसको रिवर्स कहिया, log का अंदर अगर x की जगह 1 रखा जाए, है ना, log 1 कितना होगा, तो हम कहें log 1 इज 0. देन इफ आई टेक x टू बी प्लस इनफाइनाइट y इज प्लस इनफाइनाइट, x प्लस इनफाइनाइट y प्लस इनफाइनाइट, दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x टू द बेस 2, यू कैन से ग्राफ ऑफ y इक्वल log x टू द बेस a, फॉर a इज ग्रेटर देन 1. ये ग्राफ देखने के बाद एक बात आप समझ सकते हैं, देर इज नो ग्राफ फॉर 0 टू माइनस इनफाइनाइट. 0 टू माइनस इनफाइनाइट में लॉग का ग्राफ नॉन एग्जिस्टेंट है. इट मीन्स y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2 कहो या बेस a कहो, व्हेन a इज ग्रेटर देन 1, इज नॉट डिफाइंड फॉर x लेस देन और इक्वल 0. यू कैन से डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इनफाइनाइट. मीन्स लॉग x का डोमेन, लॉग में एक्स की जगह अगर नेगेटिव क्वांटिटी आप पुट कर लोगे या जीरो पुट कर लोगे, तो हम कहेंगे लॉग इज नॉट डिफाइंड फॉर एक्स जीरो एंड नेगेटिव क्वांटिटीज. पॉजिटिव एक्स के लिए ग्राफ ये हो गया, दिस ग्राफ इंडिकेट्स इट इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ. इस इंटरवल में ग्राफ कंटिन्यूअस ग्राफ है और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ग्राफ भी है. ये ग्राफ 0 से इनफाइनाइट तक, देखो आप, है ना,
ये ग्राफ इंक्रीज कर रहे, माइनस टेन था, माइनस फाइव हो गया, माइनस टू हो गया, जीरो हो गया, देन वन, देन टू, देन फाइव, देन ट्वेंटी, लाइक दिस एक्स बढ़ रहा है, धीरे धीरे वाई बढ़ रहा है, यानी कि ये इंक्रीजिंग ग्राफ है. सो क्या होगा इफ आई से एक्स वन लेस देन एक्स टू लेस देन एक्स थ्री, अगर इसका लॉग लिया जाए या लॉग रिमूव किया जाए, मीन्स लॉग एक्स वन टू द बेस ए, आई शुड ट्राई टू फॉर मोर क्लैरिटी, टू इज लेस देन लॉग एक्स टू द बेस टू इज लेस देन लॉग एक्स थ्री टू द बेस टू. इट मीन्स वॉट आपने अगर इस इनइक्वालिटी का लॉग लिया विथ बेस टू, या किसी इनइक्वालिटी में बेस में एंटायरली अगर टू है, आप लॉग रिमूव करते हो, आइदर वे देर विल बी नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ लॉग एक्स. इज दैट क्लियर नाउ? सो ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से एक बार और ध्यान रखिएगा. हाँ ठीक है, हम लोग लॉग ले सकते हैं, लॉग रिमूव कर सकते हैं, बट ये तभी एप्लीकेबल होगा व्हेन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री आर ऑल स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटी, मीन्स जीरो भी नहीं हो सकते, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव मीन्स ऑल दीज क्वांटिटीज आर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो. आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. नाउ हम लोग इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग. सो इफ आई टेक ए सिंपल एग्जाम्पल, सपोज हमें दिया गया सॉल्व लॉग टू द बेस 3.25 इज लेस देन लॉग 2x प्लस 3 टू द बेस 3.25. Suppose we need to solve this inequality. Before going ahead, एक्सिस और ध्यान दीजिए. जैसे हमने कहा कि अभी ग्राफ बनाया था, हमने कहा log is not defined for negative quantity. Suppose हमने पूछा आपको बताओ what is value of log minus 1 टू द बेस टू. सपोज आप यू गेट ए क्वेश्चन लाइक दिस कि आखिरी लॉग माइनस वन टू द बेस टू क्या होगा, इसको वाई या एक्स मान लिया जाए, लेट इट बी एक्स. मुझे फाइंड करना है लॉग माइनस वन टू द बेस टू इसका वैल्यू क्या होगा, हमने इसको एक्स मान लिया. दिस इम्प्लाइज टू पावर एक्स इक्वल माइनस वन बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग. नाउ टेल मी 2 का पावर में हम क्या रेज करेंगे कि ये वैल्यू 2 पावर x का वैल्यू माइनस वन आ जाएगा. 2 का पावर अगर x 0 हो गया ये प्लस 1 आएगा, नॉट माइनस 1. अगर ये x पॉजिटिव रहा 2 का पावर में 1 2 3 4 कुछ भी करेंगे तो 2 पावर x पॉजिटिव ही आएगा. अगर हमने x को नेगेटिव ले लिया, फॉर एग्जांपल x इज माइनस 1 माइनस 2 लाइक दिस, तो अगर 2 का पावर में आपने नेगेटिव भी ले लिया, जैसे हमने कहा 2 पावर माइनस 1, तो इट विल बी 1 बाई 2, 2 पावर माइनस 2 विल 1 बाई 4, बट नेगेटिव नहीं होगा. ऐसे भी याद करिए 2 पावर x का ग्राफ ये था. दिस ग्राफ ऑफ 2 पावर x लाइज कंप्लीटली अबव x एक्सिस, x एक्सिस का ऊपर, यानी कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. हम कोई भी x लेंगे, 2 पावर x का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इट विल बी ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव. अगर आपने 1 बाई 2 पावर x लिया तभी क्या होगा, ग्राफ इज लाइक दिस. आप लेक्चर नंबर 12 रेफर करिएगा, तो उसमें हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं रिगार्डिंग दिस ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो y इक्वल टू 1 बाई 2 पावर x, इसका ग्राफ इज लाइक दिस. ये भी ग्राफ, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, वो अलग बात है, बट दोनों ग्राफ क्या है, कंप्लीटली अबव एक्स एक्सिस है.
यानी कि a टू द पावर x, वेयर a इज बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी a ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन रूल को फॉलो कर रहा है, तो a पावर x इज नेवर नेगेटिव, या कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। a पावर x इज नेवर नेगेटिव और जीरो। तो बात क्या है, हमें ये क्वेश्चन दिया गया, तो बात है कि यहां पर ध्यान रखिएगा, नॉट ओनली माइनस वन, लॉग का अंदर कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगा, है ना, कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग हमेशा, अब देखोगे जैसे यहां पर क्या, टू पावर एक्स माइनस वन, इट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू फाइव, इट मीन्स लॉग माइनस वन टू द बेस टू इज एक्स एंड दिस एक्स बिलोंग्स टू फाइव, यानी लॉग ऑफ माइनस वन इज नॉट डिफाइंड इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में वी ऑब्जर्व दोनों साइड लॉग का बेस सेम है और बेस वन से बड़ा है, इसलिए जैसे ही लॉग रिमूव करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी, करेक्ट। बट ध्यान रखिए, जब भी आप लॉग रिलेटेड इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं, करेक्ट, ये तो आपने हटा दिया लॉग दोनों तरफ से, बेस सेम था, आपको साथ में एक कंडीशन और लेना होता है, क्या, कि लॉग का अंदर जो क्वांटिटी है, जो लॉग का अंदर क्वांटिटीज हैं, दे शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटीज, मीन्स ये भी होना चाहिए पॉजिटिव एंड ये भी होना चाहिए पॉजिटिव, जो क्वांटिटीज लॉग के अंदर हैं दे शुड बी स्ट्रिक्टली पॉजिटिव क्वांटिटीज, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटीज का लॉग डिफाइन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से माइनस थ्री लेस देन प्लस टू, अगर आप यहाँ कहेंगे लेट अस टेक लॉग ऑफ बोथ द साइड्स, है ना, हमने कहा लॉग माइनस थ्री टू द बेस फाइव इज लेस देन लॉग टू टू द बेस फाइव, दिस इज नॉट करेक्ट। आपका बेस तो फाइव है, वन से बड़ा है, ठीक, कोई बात नहीं है, बट लॉग ऑफ माइनस थ्री इज नॉट डिफाइंड, इसलिए क्या होता है, हमें यहाँ पर कंडीशन ये लेना होता है दैट क्वांटिटीज इनसाइड लॉग, यानी दिस एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो एंड टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, हमें ये तीनों कंडीशन लेना पड़ेगा, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। पर देखो, अगर आप ध्यान दोगे समझ में आएगा, अगर हम ये कंडीशन ले रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स लेस देन टू एक्स प्लस थ्री, साथ में ये कंडीशन ले ले एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो, अगर हम, ये छोटा क्वांटिटी है, ये बड़ा क्वांटिटी है ना, ऑलरेडी हम कह रहे हैं कि दिस इज लेस देन टू एक्स प्लस थ्री, अगर छोटा क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया तो टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो ये अपने आप हो जाएगा, वी डोंट नीड टू टेक दिस कंडीशन। आप इस कंडीशन को लेकर आगे बढ़ेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं है कि यू आर डूइंग सम मिस्टेक, देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दैट, बट ये अननेसेसरी आप अपना काम बढ़ा रहे होंगे। अभी तो ये छोटा सा इनइक्वालिटी है, टू एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट मेनी टाइम्स हो सकता है कि दिस इनइक्वालिटी में भी हाईली कॉम्प्लिकेटेड, या पूरा इस क्वेश्चन में सबसे कॉम्प्लिकेटेड है इसी को सॉल्व करना। तो इसलिए आप इस बात को रखिए दिमाग में कि हमको क्या करना है, जब हमने इसको ले लिया, इसको ले लिया, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ट्रू हो गया,
क्योंकि छोटा क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव हो गया, तो जो बड़ा है वो तो पॉजिटिव होना ही होना है फिर. नाउ इफ आई गो अहेड क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री लेस देन जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ग्रेटर देन जीरो. दिस इंप्लाइज नाउ फर्स्ट इन नाउ वी हैव टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज. क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का बारे में हम लोग ऑलरेडी लेक्चर नंबर 9, 10 में डिस्कशन किए हुए हैं. 9, 10, 11 डिस्कशन किए हुए हम लोग, आप लोग उसको रेफर कर लीजिएगा ताकि जिनको भी डाउट अभी तक है उनको पूरा क्लियर हो जाए. क्योंकि इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आप बहुत फ्रिक्वेंटली फेस करोगे आप लोग, तो इसीलिए मैंने रिवाइज कराया था आप लोगों को. अब देखिए ना दिस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, फर्स्ट इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए लेट अस फाइंड जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक. मैं रफ कॉपी में रूट्स फाइंड कर रहा हूँ. माइनस थ्री प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर इंटू वन इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व बाई टू इंटू वन. ये क्या आ गया, रूट्स आर कॉम्प्लेक्स है ना. अगर इस क्वाड्रेटिक का रूट्स कॉम्प्लेक्स है देन और कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इट मीन्स दिस क्वाड्रेटिक इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर. तो लेस देन जीरो फॉर व्हाट एक्स, लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू फाइव. ये क्वाड्रेटिक लेस देन जीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू फाइव एंड एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स. सी अगर हमने इसको सॉल्व कर भी लिया, तब भी क्या होगा, phi इंटरसेक्शन एनीथिंग विल बी phi, x बिलोंग्स टू phi, करेक्ट. सो हमें इसको सॉल्व करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी phi आ चुका है. इसका जो भी सोल्यूशन आएगा phi का साथ किसी भी सेट का अगर हम लेंगे इंटरसेक्शन, वो phi ही आएगा. ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ फाई. ये फाई आए चाहे कुछ भी आए तो अगली विषय है. मेन बात आपको ये स्टेप समझना है, ठीक है. लेट अस नाउ गो अहेड. नाउ लेट अस गो फॉर वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए फेयर ए इज बिटवीन 0 to 1. टू एड्रेस दिस let us consider y equal to log x to the base 1/2. हम 1/2 लेकर जो ग्राफ बनाएंगे वो इन जनरल 0 to 1 बेस के लिए होल्ड कर रहा होगा. तो let us find out इसका ग्राफ कैसे बनेगा. You know that this implies and implied by 1/2 to the power y equal to एक्स. तो जैसे आपने पिछला पार्ट में किया था, वाई से एक्स फाइंड करेंगे हम लोग. वाई को लिया जाए माइनस इनफाइनाइट तो एक्स हो जाएगा 1/2 पावर माइनस इनफाइनाइट यानी 2 पावर प्लस इनफाइनाइट, इट इज प्लस इनफाइनाइट. ये हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है. मीन्स x की जगह पर अगर लिया जाए प्लस इनफाइनाइट तो y यानी log ऑफ प्लस इनफाइनाइट टू द बेस 1/2 माइनस इनफाइनाइट. दूसरा अगर मैं y को लेता हूँ 0, अगेन रिकॉल हम लोग log केस में एक्सपोनेंशियल में एक्सप्रेस करने का बाद हम y से x फाइंड कर रहे हैं, ठीक है. तो y को जो 0 पुट करेंगे तो हमें x मिलेगा 1/2 पावर 0 यानी कि 1. थर्डली इफ आई टेक y टू बी प्लस इनफाइनाइट
तो x आएगा 1 बाई टू पावर प्लस इनफाइनाइट, दैट इज 1 अपॉन टू पावर इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट टेन जीरो प्लस जीरो प्लस. तो फ्रॉम दिस व्हाट यू कंक्लूड, अगर ग्राफ बनाया जाए y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 1 बाई टू का, आप लोग खुद भी एक बार कोशिश करिए विथ दिस डेटा, ये जो हमने पास बना हुआ है, ट्राई टू ड्रॉ अ सिंपलेस्ट ग्राफ, यू शैल फाइंड ग्राफ इज समवॉट लाइक दिस. ये ग्राफ हो गया आपका, ये जीरो जीरो प्लस के लिए प्लस इनफाइनाइट, जीरो प्लस के लिए एक्स जीरो प्लस वाई प्लस इनफाइनाइट, एक्स जीरो प्लस वाई प्लस इनफाइनाइट, एक्स वन वाई जीरो, एंड एक्स अगर इनफाइनाइट है तो वाई इनफाइनाइट है, वाई माइनस इनफाइनाइट है, एक्स प्लस इनफाइनाइट, वाई इज माइनस इनफाइनाइट. ठीक है, ये जो ग्राफ आपका है y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 1 बाई टू, यू शैल फाइंड फॉर एवरी बेस बिटवीन 0 एंड 1 आपको ऐसे ही ग्राफ मिलेगा आपको. ठीक है, अगेन इफ यू ऑब्जर्व दिस ग्राफ, देयर इज नो पार्ट ऑफ ग्राफ बिटवीन माइनस इनफाइनाइट टू 0, मीन्स दिस इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट. तो दोनों को अगर कंबाइन करेंगे, बेस चाहे 0 टू 1 में हो, बेस चाहे 1 से बड़ा हो, log x टू द बेस a, y इक्वल टू log x टू द बेस a इज डिफाइंड फॉर x बिलोंग टू 0 टू इनफाइनाइट. मीन्स आप ये कह सकते हो log x का डोमेन में x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. अगेन क्या है, इस ग्राफ को देखेंगे तो क्या है कि ग्राफ कंटिन्यूस ग्राफ है एंड ग्राफ इज ए डिक्रीजिंग ग्राफ, है ना, 0 से लेकर अप टू इनफाइनाइट ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, ग्राफ डिक्रीज कर रहा है. ठीक है ना, तो अगर हमें मिलेगा x1 लेस देन x2 लेस देन x3, ओके, आपने अगर इसका लॉग लिया, लॉग x1 टू द बेस 1 बाई 2, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग बिहेवियर एंड इट इज इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय, मतलब कि अगर कहीं पर हमारे पास ऐसा इनइक्वालिटी होगा और हम एंटायर इनइक्वालिटी से लॉग को रिमूव करेंगे, बेस सेम होना चाहिए सब जगह और बेस 0 टू 1 में होना चाहिए, तो अगर ग्रेटर देन सिंबल है तो लेस हो जाएगा, अगर यहाँ लेस होगा तो यहाँ ग्रेटर हो जाएगा, उल्टा रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये था ग्राफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 1 बाई 2. इफ वी गो फॉर नाउ कंपैरेटिव ग्राफ्स, जैसे कि हम लोगों ने बाकी फंक्शन में किया है, तो लेट अस गो फॉर देम. y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 2, y इक्वल टू लॉग x टू द बेस 3. लेट अस फाइंड आउट ये दोनों ग्राफ का कंपैरेटिव ग्राफ क्या होगा. देखिए to go for a comparative graph, so if I put x equal to 2 in the first graph, log 2 to the base 2 is 1 aur isme log 3 to the base 3 is 1, hai na, yahan par log 2 to the base 2 1 aayega, log 3 to the base 3 1 aayega, correct. Agar main 1 पुट करता हूं तो log 1 टू द बेस 2 0,
log 1 to the base 3 by 0 means log of 1 to the base 2 0 log of 1 to the base 3 by 0 hai, right? So similarly jaise aapne put kiya 2 3 1 1 if I put 1 by 2 here so log 1 by 2 to the base 2 is log of 2 power minus 1 to the base 2, it is minus of log 2 to the base 2, it is minus 1. Similarly, log 1 by 3 to the base 3 is log of 3 power minus 1 to the base 3, it is minus 1, minus 1, right? तो इनको देखते हुए अगर आप ग्राफ बनाएंगे यू शैल फाइंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड नाउ. सपोज हमने ग्राफ बना लिया, दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 2. नाउ अगर ये 1 है, दिस इज 1, तो दिस इज 2 और ये तो 1 है ही है, लॉग 1 0. जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट किया तो लॉग 1 इज 0. नाउ लॉग 2 टू द बेस 2 इज 1. सी व्हेन आई गो फॉर लॉग 3 टू द बेस 3 यू शैल फाइंड ये 1 होगा, बट किसके लिए होगा? 3 के लिए 1 होगा. लॉग एक्स टू द बेस 3 विल पास टू दिस पॉइंट एंड टू दिस पॉइंट, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड जो ग्राफ स्केच करोगे आप और ये ग्राफ, ये कंपेरेटिव ग्राफ. जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत हाई फाई क्वेश्चन के चक्कर में पूरा टाइम बिता देते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को छोड़ देते हैं. बेसिक्स को बिल्कुल क्लियर करिए, हैव ए क्लियर पिक्चर इन माइंड. दिस इज ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 3, ये ग्राफ है, करेक्ट? और इस तरफ क्या देखो, मीन्स 1 पर दोनों 0 है, 1 से आगे, 1 से आगे जिसका बेस बड़ा है वो वैल्यू छोटा हो गया, जिसका बेस छोटा है वो ग्राफ ऊपर हो गया. जब आप 0 to 1 में आओगे, बिटवीन 0 and 1, इट इज रिवर्स. यहाँ पर क्या होगा, दिस इज अगर तो दिस इज सपोज -1 मान लीजिए, यू शैल फाइंड अरे -1 है तो ये आपका 1/3. इज इट विजिबल और नॉट? ये 1/3 और ये हो गया 1/2. 1/3, 1/2, करेक्ट? मीन्स इनफैक्ट ये ग्राफ है आपका लॉग एक्स टू द बेस 2 का, तो 1/2 के लिए -1 हुआ, फिर एज ये ग्राफ है बेस 3 पर, ये 1/3 के लिए -1 हुआ. एक बार आपने ये रूल याद कर लिया कि जिसका बेस बड़ा होगा वो और दबेगा, है ना? इफ आई गो फॉर ग्राफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 4 यू शैल फाइंड वो ग्राफ और नीचे आएगा. वो क्या होगा, वो 4 के लिए 1 हो रहा होगा. ये अगर 4 है यहाँ पर, दिस इज, तो ग्राफ ऑफ लॉग एक्स बस 4 विल बी लाइक दिस, ओके, लाइक दिस. इफ यू टेक ग्राफ ऑफ, जैसे हम लोग कॉमनली यूज करते हैं y इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 10, यू कैन अंडरस्टैंड लॉग एक्स बेस 10 के वो 10 पर एक 1 हो रहा होगा, वो ग्राफ काफ़ी नीचे आ रहा होगा. ऐसे करके ऐसे लगे जैसे काफ़ी बिल्कुल ऐसे आया, बहुत स्लोली स्लोली इंक्रीज करते 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 ऐसे आ रहा है लॉग एक्स टू द बेस 10 का. तो आई थिंक
दिस ग्राफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 2 एंड 3 का कंपेरेटिव ग्राफ, समझ में आ गया आप लोगों को? लेट अस गो फॉर नाउ ग्राफ ऑफ लॉग एक्स टू द बेस 1/2 एंड लॉग एक्स टू द बेस 1/3, देखते हैं क्या होता है। ये बेस अगर 1 से बड़ा है तो बेस बढ़ने का साथ साथ ग्राफ में क्या चेंज होता है देखा आपने, बट अगेन वन थिंग इज क्लियर, चाहे बेस 2 हो चाहे 3 हो, ग्राफ 0 to infinite में कंटिन्यूअस है और इंक्रीजिंग है, ठीक है। Let us go for graph of log x to the base 1/2 yani 0.5 1/2 and y equal to log x to the base 1/3 yani ki 0.333 and so on, correct? ये 1/2 है, ये 1/3 है, तो चलो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, x to the base 1/2 log x to the base 1/3। अगर आप इनको स्केच करोगे जैसे अभी आपने स्केच किया था वैसे ही आप वन के लिए x को 1 लेंगे दोनों 0 आ जाएगा। मैं पहले कोई ग्राफ ड्रॉ कर ले रहा हूं, तो दिस इज लेट अस से ग्राफ ऑफ y इक्वल टू log x टू द बेस 1/2, करेक्ट? नाउ ये तो ऑब्वियसली पॉइंट है 1,0, ओके? नाउ अगर मैं यहां रखता हूं x को 2, इट विल -1 for 2, अगर मैं log of 2 to the base लेता हूँ 1/2, तो log of 2 to the base 1/2, log of ये 2 to the base 2 power -1, this -1 will come outside as 1/-1, minus of log 2 to the base is -1, correct? तो बट इफ यू टेक log x टू द बेस 1/3, ये क्या होगा, x को जब 3 लेंगे तो होगा -1, ये 3 के लिए होगा -1, करेक्ट? तो वी शैल फाइंड द ग्राफ फॉलोज ए पैटर्न लाइक दिस। Graph follows a pattern like this, means जहां आपको एक तरफ का ग्राफ समझ में आ गया तो अदर साइड में ग्राफ विल बी रिवर्स टाइप, मीन्स 1 से आगे ये ग्राफ ऊपर है, ये ग्राफ हो गया वाई इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस 1/3, तो इस तरफ 0 to 1 में जो ग्राफ इधर ऊपर में है वो नीचे आ चुका होगा, जो नीचे था वो ऊपर आ चुका है। वंस यू नो दिस कंपैरेटिव ग्राफ यू कैन ड्रॉ ऑलवेज। अगर बेस 0.5 0.3 है, मीन्स बेस जैसे जैसे बेस घटेगा ग्राफ विल बी मोर एंड मोर क्लोज टुवर्ड्स एक्स एक्सिस फॉर एक्स ग्रेटर देन 1।
करेक्ट। इन दिस कंटेक्स्ट एक बार ध्यान दीजिएगा, और y इक्वल टू log x टू द बेस 1 बाई टू इज नथिंग बट log x टू द बेस 2 पावर माइनस 1, इट इज माइनस ऑफ log x टू द बेस 2, यानी कि log x टू द बेस 1 बाई टू इज जस्ट नेगेटिव ऑफ log x टू द बेस 2। एक सिंपल रूल क्या है, अगर हमें इफ दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स, अगर ये एफ एक्स ग्राफ है, इफ दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल एफ एक्स, देन ग्राफ ऑफ माइनस एफ एक्स विल बी मिरर इमेज ऑफ दिस ग्राफ अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। ये एफ एक्स ग्राफ है तो ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू माइनस एफ एक्स, माइनस एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का जो ग्राफ होगा माइनस एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा, उसी ग्राफ का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस को एक मिरर ट्रीट करते हुए जब इमेज बनाएंगे वो ग्राफ बनेगा माइनस ऑफ एफ एक्स का। तो क्या होगा, लॉग एक्स टू द बेस 1 बाई टू का ग्राफ लॉग एक्स टू द बेस 2 का ग्राफ, दे आर मिरर इमेज ऑफ इच अदर, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कहता हूँ दिस इज ग्राफ ऑफ log x टू द बेस 2, तो log x टू द बेस 1 बाई टू क्या होगा, मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस, जैसे कि एज इफ ये पार्ट का इमेज ये बन गया और इस पार्ट का इमेज ये बन गया, ये जो x एक्सिस है इट इज रिफ्लेक्टिंग बोथ द साइड्स, इस पार्ट का इमेज ये कह लो आप, इसका इमेज ये कह लो या इसका इमेज ये कह लो, ये ग्राफ है log ऑफ x टू द बेस 1 बाई टू का, ये ग्राफ है log ऑफ x टू द बेस 2 का, ठीक है। तो ये हमारा log का ग्राफ पर डिस्कशन था, करेक्ट। तो ये ग्राफ देखने के साथ साथ जैसे आप एक सिंपल कुछ इंटरप्रिटेशन से, जैसे अगर हम log का ग्राफ देखते हैं when बेस इज सपोज ग्रेटर देन 1, करेक्ट। ये ग्राफ है, हमें कभी भी मिला log x टू द बेस a where a इज ग्रेटर देन 1, जैसे ही हमें ये सुनाई पड़ेगा हमारा दिमाग में इमिडिएटली ये पिक्चर आ जाना चाहिए। ये पिक्चर देखते ही आप कह सकते हो 0 टू 1 में, 0 से 1 में log नेगेटिव है ना, 1 के लिए log 0 हुआ, मीन्स x का वैल्यू 0 टू 1 में होगा तो log का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, 1 के लिए 0 हो जाएगा, x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा है तो log क्या होगा, log x का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, अगर बेस 0 टू 1 में हो जाए तो ग्राफ रिवर्स हो गया, बिल्कुल ये ग्राफ हो गया, दिस ग्राफ ऑफ y इक्वल log x टू द बेस a फॉर a बिटवीन 0 टू 1, अब क्या होगा 0 टू 1 का बीच में अब log क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 1 के लिए 0, 1 से इन्फाइनेट में नेगेटिव हो जाएगा, राइट। लाइक दिस हम लोग ग्राफ को लेकर वेरियस इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, हम लोग इन पर एग्जाम्पल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग।